दोस्तों मैं जितेंद्र टेकॉम से बोल रहा हूँ। दोस्तों ये है जियोनी का M7 पावर स्मार्टफोन जो कि अभी अभी इंडिया की मार्केट में लॉन्च हुआ है। दोस्तों ये जियोनी का फर्स्ट फोन है जो कि बेजललेस डिस्प्ले के साथ आता है। जैसा कि आप देख रहे हैं राइट और लेफ्ट साइड पे बहुत ही कम बेजल दिए गए हैं और इसका दोस्तों जो साइज़ है स्क्रीन का वो है 6 इंच का HD डिस्प्ले है। 720x1440 इसकी पिक्सल रेजोल्यूशन है और आप जैसा कि देख पा रहे हैं जियोनी की ब्रांडिंग दोस्तों नीचे दी गई है और क्योंकि इसका फुल एस्पेक्ट रेशियो का डिस्प्ले है 18:9 और जो नेविगेशन की है दोस्तों वो डिस्प्ले के ऊपर दी गई हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और जहाँ तक दोस्तों इसके डिस्प्ले की बात करें तो ये डिस्प्ले के जो व्यूइंग एंगल्स हैं काफ़ी बढ़िया हैं और इसकी सनलाइट विजिबिलिटी भी ठीक ठाक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके डिज़ाइन की। दोस्तों फुल मेटल बॉडी फ़ोन है और जो पीछे दोस्तों इसमें तीन तरह के आपको मटेरियल मिलेंगे। दोस्तों ऊपर तो आपको ये ग्लास की स्ट्रिप दी गई है और इसके ऊपर ही 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और LED फ्लैश लगाया गया है। ये दोस्तों टेक्सचर ये मटेरियल है ग्लॉसी है और ये दोस्तों है इसका फिंगरप्रिंट सेंसर, बहुत फास्ट फिंगरप्रिंट सेंसर है। अभी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूँ। नीचे दोस्तों जियोनी का लोगो दिया गया है और ये दोस्तों प्लास्टिक का मटेरियल है। तो तीन मटेरियल दोस्तों इसमें यूज़ किए गए हैं। और जहाँ तक दोस्तों बात करें इसके साइज़ की और इसके वेट की तो दोस्तों थोड़ा सा हैवी फ़ोन है और इसका एक रीज़न है क्योंकि इसमें बहुत ही पावरफुल और मैसिव 5000 mAh की बैटरी लगी हुई है, इसलिए थोड़ा सा ये हैवी फ़ोन है। लेकिन इसकी दोस्तों जो इसका एक बहुत ही प्लस पॉइंट है, बहुत ही स्टर्डी फ़ोन है। अगर आपके हाथ से खुदा ना खास्ता गिर भी जाए तो इसको कुछ होने वाला नहीं है। और ये जो इसकी दोस्तों थिकनेस है वो है 8.6 mm, क्योंकि ये इसका डिस्प्ले बहुत ज़्यादा है तो आपको कोई इसमें इशू नहीं होगा और आपको इसको इजीली आप इसको सिंगल हैंड से भी ऑपरेट कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके बात कर लेते हैं इसके और डिज़ाइन की। राइट हैंड साइड पे दोस्तों पावर बटन दिया गया है, ऊपर वॉल्यूम रॉकर्स दिए गए हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे दोस्तों सिम ट्रे है, ये डुअल सिम फ़ोन है। और नीचे दोस्तों आपका ऑर्डिनरी ये चार्जिंग स्लॉट दिया गया है। 3.5 mm का ये ईयरफोन जैक है और राइट हैंड साइड पे दोस्तों स्पीकर ग्रिल है। तो दोस्तों इस फ़ोन को मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, कोई इसमें फ़ोन में मेरे को दिक्कत नहीं आई है। और अब इसके दोस्तों बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस से जाने से पहले बात कर लेते हैं कि इस फ़ोन में आपको हार्डवेयर में क्या क्या मिलेगा। और दोस्तों जहाँ तक इसके हार्डवेयर की बात करें तो ये देखिए दोस्तों, हार्डवेयर से जाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये फ़ोन चलता है दोस्तों अमीगो OS 5.0 जो कि एंड्रॉयड 7.11 के ऊपर बेस्ड है। ये देखिए इसका एंड्रॉयड वर्जन है 7.11। और जहाँ तक दोस्तों बात करें इसके हार्डवेयर की तो अब देख लेते हैं दोस्तों, इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो है स्नैपड्रैगन का ऑक्टा कोर 435 प्रोसेसर और इसका क्लॉक स्पीड है 1.4 GHz। और इसमें दोस्तों आपको मिलेगी 4 GB रैम और 64 GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज जिसको कि आप 256 तक एक्सटेंड कर सकते हैं वाया माइक्रो SD कार्ड। और दोस्तों इसके डिस्प्ले की जो, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था आपको, इसका दोस्तों जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो है 720x1440 HD डिस्प्ले है, 6 इंच का ये डिस्प्ले है। तो दोस्तों ये तो रहे इसके हार्डवेयर के फीचर्स। और दोस्तों इसकी मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि इसमें बहुत ही पावरफुल बैटरी लगी हुई है, 5000 mAh की बैटरी है। दोस्तों ये बहुत आसानी से आपका 2 दिन का काम निकाल देगी क्योंकि मैंने फ़ोन को करीबन 10 दिन के लिए इसको यूज़ किया है। और अगर आप सभी अपने सोशल प्लेटफॉर्म चलाते हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक और ट्विटर एट्सेट्रा, और आप काफ़ी इसको यूज़ करते हैं, आप यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखते हैं, अगर आप हैवी यूज़र्स भी हैं तो इजली आपका ये 2 दिन का दोस्तों ये काम निकाल देगी। और इससे दोस्तों ये इसका एक बहुत ही इसका बढ़िया फीचर है क्योंकि ये 5000 mAh बैटरी फास्ट चार्ज के साथ आती है, प्लस इसको आप रिवर्स चार्जिंग के लिए भी दोस्तों यूज़ कर सकते हैं। और
आप दूसरे मोबाइल फ़ोन को भी दोस्तों इसमें चार्ज कर सकते हैं। तो ये भी दोस्तों इसका एक बहुत बड़ा फीचर है। ये देखिए अभी मैं आपको दिखा रहा था, रिवर्स चार्जिंग वाया OTG केबल आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये दोस्तों इसका आप एक जो मैसिव बैटरी देने का दोस्तों मतलब ही यही है कि आप एज ए पावर बैंक भी इस फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको स्मार्ट जो इसका डिस्प्ले है इसमें स्मार्ट आई प्रोटेक्शन का फीचर भी है, ताकि आपके आईज को कोई प्रॉब्लम ना आए। आप इसमें अपने व्हाट्सएप को भी आप प्राइवेट और पर्सनल यूज़ के लिए डिफरेंट डिफरेंट व्हाट्सएप इसमें सेटअप कर सकते हैं। ये भी दोस्तों इसका एक बहुत बड़ा फीचर है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों मैंने इस फ़ोन को काफ़ी यूज़ किया है, और स्विचिंग बिटवीन द एप्स, और आप क्रोम में भी जाकर डिफरेंट डिफरेंट जब आप वेबसाइट्स खोलते हैं, कोई इसमें मेरे को दिक्कत नहीं आई है। और फ़ोन में कोई मेरे को लैग का कोई फीलिंग नहीं आई, कोई फ़ोन ने कभी कभी स्टटर नहीं किया। और गेमिंग के लिए भी दोस्तों फ़ोन बहुत बढ़िया है, आप इसमें अच्छी गेमिंग भी कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हैवी इंटेंसिव गेम्स हैं उसमें थोड़ी सी इसमें आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जो प्रोसेसर है वो है 435। लेकिन कोई भी इसमें हीटिंग का इश्यू नहीं आया है मेरे को, और कोई भी इसमें और मेरे को कोई फीचर कोई भी इसमें प्रॉब्लम मैंने एक्सपीरियंस नहीं की है। एक्सेप्ट कि आप जब हैवी ड्यूटी गेम्स जब इस पे खेलेंगे तो थोड़ा सा इसमें आपको हल्का सा लैग आने की उम्मीद रहेगी। और दोस्तों जहाँ तक बात करें इसके सिक्योरिटी फीचर फिंगरप्रिंट स्कैनर की, तो दोस्तों ये बहुत ही फास्ट फिंगरप्रिंट स्कैनर है। मैं अभी आपको इसका डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूँ। दोस्तों ये देखिए मैंने फ़ोन को ऑफ किया है। अब इसको चलाने के लिए दोस्तों जैसे ही मैंने इसको अपना ये, क्योंकि मेरी ये फिंगर इस पर रजिस्टर है, जैसे ही मैंने फिंगर रखी ये फ़ोन स्टार्ट हो गया। तो जस्ट लेस देन ए स्प्लिट सेकेंड ये फ़ोन को चला देता है, तो अनलॉक कर देता है। दोस्तों ये इसका बहुत बढ़िया फीचर है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके कैमरा की। तो जो दोस्तों जहाँ तक इसके कैमरा की बात करें, 13 मेगापिक्सल का दोस्तों रियर कैमरा आता इसमें कैमरा दिया गया है विद LED फ्लैश। और इसमें आपको दोस्तों काफ़ी इसमें आपको फीचर मिलेंगे, जैसे कि ये देखिए, ये आपको इसमें जो फीचर्स मिलेंगे दोस्तों, फेस ब्यूटी का फीचर है, कार्ड स्कैनर है, बैक लाइट है, और इसमें पैनोरामा का फीचर है। इसमें दोस्तों एक बहुत बढ़िया फीचर 3D फोटो का भी डाला गया है, और मैंने दोस्तों इसमें कुछ इमेजेस खींची हैं काफ़ी अच्छी। ये देखिए, देखो 3D मोड में दोस्तों खींची गई है, कुछ इमेजेस हैं बहुत ही क्लियर और ब्राइट इमेजेस आई हैं। ये नॉर्मल में खींची हैं, सनलाइट में खींची हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और इसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी वाइब्रेंट है, डिटेल कंट्रास्ट आपको सब कुछ मिलेगा इसमें। और ये देखिए, ये 3D में 3D मोड में खींची गई है, कितना क्लियर है दोस्तों, कितनी दूर तक भी आपको इमेजेस काफ़ी इसमें क्लियर नज़र आ रही हैं। ये दोस्तों नॉर्मल में खींची गई है, नॉर्मल लाइट में, कोई भी इसमें फिल्टर यूज़ नहीं किया गया है, ये देखिए। और ये दोस्तों 3D मोड में है, तो ये 3D मोड दोस्तों बहुत बढ़िया काम करता है। ये डे लाइट में खींची गई है, और देखिए कितना क्लियर है, इवन फ्लावर का रिफ्लेक्शन भी आपको नज़र आ रहा है और शेडो भी नज़र आ रही है। तो दोस्तों मैं तो फुल मार्क्स दूंगा। जहाँ तक इसके रियर कैमरा की बात है, 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है विद F2 अपर्चर, काफ़ी ब्राइट इमेजेस आती हैं। फेडिंग लाइट में और रात में थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन ऐसे इस रेंज वाले फ़ोन में ये काफ़ी स्वाभाविक है। तो इसमें कोई इसमें बड़ा इशू नहीं है। 8 मेगापिक्सल का दोस्तों इसमें फ्रंट कैमरा दिया गया है विद F2.2 अपर्चर, वो भी बहुत बढ़िया काम करता है, सेल्फी के लिए ये आइडियल फ़ोन है। और जहाँ तक दोस्तों इस फ़ोन की और बात करें, तो जो इस फ़ोन की दोस्तों प्राइस रखी गई है 16,999 रुपीज़, और ये 3 कलर में आता है। ये ब्लू कलर जो कि मेरे हाथ में है, आपको ब्लैक कलर में भी मिल जाएगा और आपको गोल्ड कलर में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों जो ओवरऑल मेरा इस फ़ोन के बारे में व्यू है, फ़ोन अच्छा हैवी है, स्टडी है, और बैटरी दोस्तों इसकी बहुत ही लाजवाब है। अगर आप पावर बैंक से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो ये आपके लिए आइडियल फ़ोन होगा। कैमरा दोस्तों हालांकि 13 मेगापिक्सल का इसमें सेंसर दिया गया है और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट सेंसर दिया गया है, लेकिन ये बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। डे लाइट में आप जितनी बहुत
बहुत बढ़िया फोटो इसमें निकाल सकते हैं 3D के साथ भी। और ओवरऑल दोस्तों जो मैं कहूँगा कि अगर आप एक स्टडी फ़ोन लेना चाह रहे हैं, थोड़ा सा बल्की ज़रूर है लेकिन इसमें अगर आपको बहुत स्लिम डिवाइसेस की अगर आप प्रेमी नहीं हैं तो आप डेफिनेटली इस फ़ोन को कंसिडर कर सकते हैं। हालांकि इस रेंज में आपको और फ़ोन भी मिल जाएंगे लेकिन ये दोस्तों स्टडीनेस के लिए और पावरफुल बैटरी के लिए दोस्तों मैं इसको हाईली रेकमेंड करता हूँ। आप इसको डेफिनेटली इसको फ़ोन को एक बहुत सीरियसली कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देख और दोस्तों इसको वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको बता दूं, 4G इनेबल्ड फ़ोन है, कनेक्टिविटी ऑप्शंस इसके बहुत बढ़िया हैं और जो इसकी ऑडियो आउटपुट क्वालिटी है वो भी बहुत बढ़िया है। बेसमेंट में भी मैंने इसको जियो और एयरटेल के 4G कनेक्शन में इसको यूज़ किया है, इवन बेसमेंट में भी इसकी आवाज़ काफ़ी इसकी क्लियर आती है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को देखते हुए आप इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप मेरा ब्लॉग भी पढ़ सकते हैं जिसका नाम है techwom.com। थैंक यू वेरी मच एंड बाय।